तो हेलो दोस्तों, सेवन के किचन में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं फिर से एक नई रेसिपी जो कि है भरमा मिर्च के पकोड़े। तो चलिए बनाते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बारिश में खाने का स्वाद अलग ही आता है इसमें। तो चलिए बनाते हैं हम। चलिए सबसे पहले लेंगे हम लंबी वाली मिर्च। मिर्च को अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इसमें सारे बीज निकाल लेंगे और इसमें लगा देंगे कट। तो चलिए इसमें अब हम भरेंगे अमचूर पाउडर, जिससे इसका मिर्च का तीखापन कम हो जाता है। करते हैं अब इसकी स्टफिंग तैयार। उसके लिए लिया हमने एक उबला हुआ आलू, एक कटा हुआ प्याज, उसमें डालेंगे हम सभी मसाले, अजवाइन, नमक, मिर्च, हल्दी और चाट मसाला। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इसको फिल करते हैं, इसको अच्छे से मिर्च के अंदर भर लेंगे। तो चलिए अब इसका बैटर तैयार करते हैं। इस तरह से हमने सारे मिर्च भर के रख लिए। तो बैटर तैयार करते हैं। बेसन लिया है मैंने एक कप, उसमें डाली अजवाइन, हल्दी और नमक और इसको अच्छा सा घोल बना लेंगे। तो चलिए करते हैं अब इसको फ्राई। फ्राई करने के लिए हमने तेल लिया है, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। पहले हम इसको हाफ डन करेंगे। तो हमने बैटर पे कोट करके मिर्च को अब इसमें हाफ डन करेंगे। इसी तरह से हाफ डन, बस इस स्टेज में हमें इसे निकाल लेना है, इसको फुल फ्राई नहीं करना क्योंकि अभी हम क्रिस्पी होने के लिए दोबारा फ्राई करेंगे। तो चलिए दूसरी मिर्च भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं, इसे भी अलट पलट के हाफ डन कर लेंगे। तो हाफ हमारी तैयार है। तो चलिए इसको कट लगाते हैं। अब हम कट लगा के इसको फुल फ्राई करेंगे और मीडियम जो है तेल का, गैस का जो फ्लेम है वो हाई होना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें दोबारा से डालकर इसको दोबारा से फ्राई करेंगे। तो देखिए किस तरह से हमारे क्रिस्पी होने तक इसे अच्छे से अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो देखिए क्रिस्पी हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं। तो चलिए तैयार है हमारे मिर्च के पकोड़े और ये सर्दियों में खाने का बहुत ही मज़ा आता है। आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, ये बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं और बड़ों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए प्लेटिंग करते हैं, डालेंगे इसमें थोड़ा सा चाट मसाला। तो दोस्तों ये खाने का बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्टी बनते हैं और फिलिंग वाले तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा बारिश के मौसम में। और मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं।